हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड 23rd को, और बैक टू बैक हम क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, बैक टू बैक सीरीज़ खेली है जिम्बाब्वे के साथ, और फिर PSL, अब न्यूजीलैंड जा रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड हैं, और एज अ टीम, एज अ ग्रुप काफ़ी कॉन्फिडेंस है हम न्यूजीलैंड में जाने के लिए। और देखें, हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा स्टैट्स रहे हैं, और हम उनके अगेंस्ट काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी खेले हैं न्यूजीलैंड में भी और न्यूजीलैंड के बाहर भी। तो कोशिश यही है कि जाके अच्छा स्टार्ट करें और जो कॉन्फिडेंस है हमारा उसको लेके जाएं। देखें जी, देखें, जब शुरू से स्टार्ट किया था तो प्रेशर ही था, आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी पड़ती हैं। और पाकिस्तान टीम में भी जब अर्ली ऑन आया था तो मेरे पे बहुत प्रेशर था, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बाद कॉन्फिडेंस आया। देखें, चैलेंजिंग आते रहते हैं आपको दिन ब दिन, एवरी डे आपको चैलेंज आते रहते हैं, तो उनको फेस करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी नया चैलेंज और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मेरे पे, तो ऐसा प्रेशर कोई नहीं है, और इन्जॉय करता हूँ। और जो सीखा है वाइट बॉल क्रिकेट में, देखें एक साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और टेस्ट मैच अभी स्टार्ट होने जा रहा है, तो कोशिश ये है कि जितना इन्जॉय करूँगा, जितना सीखूँगा, जो सीखा है वो अप्लाई करूँ। और जो सीनियर्स प्लेयर से भी, देखें मैं वाइस कप्तान भी था रेड बॉल में, और सैफी भाई के अंडर काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ उन्होंने सिखाया भी, और उसके बाद अज़र भाई ने भी आए हैं, और उनके साथ काफ़ी मज़ा आया। देखें, जब आप सीनियर्स प्लेयर के साथ खेलते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ कुछ आप जब अंदर होते हैं तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ आती है तो आप शेयर करते हैं, तो जो मैंने सीखा, जो उन्होंने सिखाया, तो कोशिश यह है कि अप्लाई कर रहा हूँ, और काफ़ी हेल्प मेरी है, और मज़ीद इंशाल्लाह जब भी कोई ज़रूरत पड़ी उनसे सीखूँगा और पूछूँगा उनसे, और इन दी एंड फैसला तो जो मुझे समझ आएगी वो मैं ही करूँगा, और जो मेरा माइंडसेट जो मेरा होगा, जो उस टाइम मुझे समझ आएगी, करूँगा मैं इंशाल्लाह। और दूसरा, बैटिंग पे नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोशिश यही होती है कि एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ, अपने आप को चैलेंज लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि टीम मेरे पे रिलाई करती है, और कोशिश यही है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, जितना, देखें प्रेशर हर जगह होता है, तो मेरे ख्याल से प्रेशर में खेलने का मज़ा भी आता है और इन्जॉय भी करता हूँ, और जितना कोशिश हो सके मैं अपना 100% देता हूँ। जी हंस बाबर, आप बहुत ही कम अर्से में तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बने हो, और जितना कि आप स्क्वाड में देखें तो तीन सबक कप्तान भी हैं, तो कितना फॉर्म होता है, जैसे माध्यम से देखने में कितना फॉर्म होता है कि टीम में ग्रुपिंग का ना बन जाए, इस तरह कितना प्रेशर क्रिएट करती है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टीम काफ़ी यंग है और काफ़ी अच्छे लड़के हैं, तो उनमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मेन थिंग ग्रुप, अगर ग्रुप की बात करें तो हम एज अ टीम ग्रुप होते हैं, ये नहीं कि इंडिविजुअल ग्रुप का कि बना के या डिफरेंट दो ग्रुप उधर बैठे हैं, दो ग्रुप, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई लड़का भी नहीं है इस टीम में, सारे बहुत अच्छे हैं, सारे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, खुश होते हैं एक दूसरे की परफॉर्मेंस से, तो मेरे ख्याल से बेस्ट टीम है हमारी, यंग टीम है, यंग और सीनियर्स की बेस्ट टीम है, तो कोशिश होती है कि हम एक तरह ही रहें, सारे जो 20 के 20 प्लेयर होते हैं वो ये नहीं है कि एक दूसरे की कुछ करें, सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, प्रेस करते हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस है इस वक्त, काफ़ी भी जाहिर है आप पे ही सारा रिलाय होगा जो टीम में, ज़्यादातर जो है ना टेस्ट क्रिकेट में खासतौर पर, और न्यूजीलैंड की टीम खासतौर पर इस वक्त जो माजी के स्टैट्स हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला करीब हारे, टेस्ट में भी उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, किस तरह का ये समझते हैं कि ये एक आपके लिए कड़ा इम्तहान होगा ये एज ए कप्तान भी और एज ए बैट्समैन भी? देखिए, चैलेंजिंग हर जगह होते हैं, आप जब भी बाहर जाते हैं तो चैलेंजिंग होता है, नई चीज़ें होती हैं, नई टीम होती है, उनकी भी डिफरेंट टीम होती है, वो एक जैसी टीम नहीं होती थी, ठीक है वर्ल्ड कप जीते हैं लेकिन हमारी भी टीम काफ़ी कॉन्फिडेंस में है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, अरे इंग्लैंड में हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अनफॉर्चुनेटली हम मैच एक हार गए एक जीते हैं, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से, बैटिंग बॉलिंग की तरफ से बहुत अच्छी रही है, और वहाँ पे जाके बैट्समैनों ने बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, देखें यंग दिख रहा थे हमारे नसीम शहीन, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो देखें एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए, जिस नाजर भाई ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया था, तो देखें आपको कम्बिनेशन वो बनाना पड़ता है, आपको थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है,
तो कोशिश ये है कि हम उसी को लेकर चलें और जो हमारे कम्युनिकेशन जो होगी वो प्लेयरों के साथ करें। मेन थिंग ये है कि आप जितना प्लेयर को कॉन्फिडेंस देंगे, जितना बैक करेंगे उतना अच्छा है। मेरी एग्जांपल है कि मुझे टेस्ट मैच में स्ट्रगल कर रहा था अर्ली ऑन, लेकिन सपोर्ट थी, टीम की सपोर्ट थी। स्पेशली मैं मिक्की का कहूँगा कि मिक्की ने काफ़ी सपोर्ट की मुझे, और उसने कहा था कि नहीं, इस चीज़ को जितना बैक करोगे, जितना खिलाओगे उतना अच्छा, और देखने आपके सामने साल बाद इम्प्रूवमेंट आती रही। वहाँ पे स्कोर करें, और स्कोर वो करें जो टीम का फ़ायदा हो, और बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में मेरा गोल तो यही होता है कि यार वहाँ पे भी मेरा स्कोर हो, 100 हो, और गोल यही है, और माइंडसेट भी यही बनाया हुआ है, उसी तरह से प्रिपेयर हूँ मैं। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने कहा कि आप खेलें, आप इस चीज़ पे फिक्र ना करें, आप लॉन्ग टर्म हमारे प्लान में, और उन्होंने मुझे यही बोला कि आप फ्रीली खेलें। मुझे पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है पीसीबी की तरफ से कि एक सीरीज हार गए या वो क्या होगा, वो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने फ्रीडम दिया कि आप हम लॉन्ग टर्म आपको सोच रहे हैं। लेकिन वहाँ पर हमारी बैटिंग लाइन बिल्कुल फ्लॉप हो गई, बॉलर्स पर भी जैसे शाह वो कारकर्दगी ना दिखा सकते। एक बार फिर आप आज फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे वहाँ पर, अच्छे टीम को शिकस्त दे सकते हैं न्यूजीलैंड टू न्यूजीलैंड। तो अगर वहाँ पर शिकस्त होती तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? और जो बैटिंग का हाथ में तो संसद है उस हवाले से सर, अब इम्प्रूवमेंट ही चाह रहे हैं ना, हम तो यही चाह रहे हैं इम्प्रूवमेंट हो, और कोशिश यही होती है कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। देखें, कभी ये नहीं हो सकता कि सारे प्लेयर्स परफॉर्म करें, सारी पूरी की पूरी टीम परफॉर्म करे, कभी कभार कुछ प्लेयर नहीं करते, कुछ कर जाते हैं। तो मेन थिंग ये है कि उनको बैक किया जाए, ये नहीं है कि हर रोज़ बाबर आजम ही परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा, किसी दिन कोई अज़हर अली करेगा, किसी दिन अशद शफीक करेगा, किसी दिन हारिस सोहेल करेगा, तो ये ऑन द डे होता है। तो कोशिश ये होती है कि जो परफॉर्मर कर रहा है उसको तो बैक की ज़रूरत नहीं होती, जो नहीं कर रहा उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसको उठाना और उसको बैक करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको कॉन्फिडेंस लाया जाए अगले मैचेस के लिए। तो देखें, हर टूर पे यही होता है कि हम जितना कॉन्फिडेंस देंगे, जितना प्लेयर को उठाएंगे उतना अच्छा है, परफॉर्मेंस हमने उनसे लेनी होती है, और हमारा गोल और माइंडसेट ये होता है कि हमने जहाँ पे भी जाना है हमने जीतना है। ऊंच नीच वो हम रिज़ल्ट का देखें हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में मेहनत है, तो वो हम करते हैं और दिल लगा के करते हैं, एक होके करते हैं, रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में होते हैं।